दोस्तों, अगर आपने मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा, बुल्ली भागा भागा आके वैन को सीधा करने की कोशिश करने लगता है और ये दोनों घर पे आके कोने में छिप जाते हैं और मिस्टर मीट आके दरवाजा खटखटाने लगता है और दरवाजे के साइड में छिप जाता है और ये दोनों ये सब देख रहे होते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे शॉन आ जाता है। शॉन को मिस्टर मीट के बारे में नहीं पता होता है। तभी शॉन इसके हाथ में हथियार देख लेता है और यहाँ से फौरन भागने लगता है और मिस्टर मीट भी इसको दौड़ाने लगता है और ये दोनों इनके पीछे जाने लगते हैं। और शॉन स्कूटर से बुल्ली के पास आ जाता है, लेकिन मिस्टर मीट अभी भी इसके पीछे ही होता है। ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, तभी यहाँ पे मिस्टर मीट आ जाता है और इनकी ओर चाकू फेंक देता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। दरअसल इसने चाकू शॉन पे फेंका है, लेकिन शॉन के अचानक खड़े होने की वजह से चाकू नीचे लग गया और ये दोनों मिस्टर मीट को अपने सामने खड़ा देख लेते हैं। लेकिन मिस्टर मीट को यकीन ही नहीं हो रहा कि इसका निशाना चूक गया। इतनी बड़ी गलती देख के इसका दिमाग खराब हो रहा है। बुल्ली कहता है कि शॉन या मिस्टर मीट जब तक सदमे में, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और मिस्टर मीट का रोना धोना अभी भी बाकी है। लगता है कि अब इसका रोना धोना पूरा हो गया और ये वापस गुस्से में आ गया। और इधर ये दोनों चलते चलते कहीं जा रहे हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली वैसे बाबा घर पे होंगे क्या? गुल्ली कहता है कि हाँ रॉड, अक्सर होता है कि हमारे जाने पे बाबा हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बाबा आ जाते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। रॉड कहता है कि वैसे तुम्हें लगता है क्या कि शॉन अभी तक सही सलामत होगा? गुल्ली कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही हमें बाबा मिल जाएंगे तब तो मिस्टर मीट का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम और तेजी से बाबा के पास चलते हैं। और इधर ये दोनों मिस्टर मीट से बचने के लिए एक पत्थर के पीछे छिपे हैं। शॉन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, हम स्कूटर से क्यों नहीं भागे? हम स्कूटर से भागते तो उससे तो हम बहुत दूर तक चले जाते, वो भी बड़ी आसानी से, और हमें मिस्टर मीट से भी कोई दिक्कत नहीं होती। बुल्ली को शॉन की बातों में दम लगती है, लेकिन ये शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने वो रॉड की वैन तो देखी ही होगी, उसमें ढेर सारी आइसक्रीम रखी हैं। अगर हमने उसको सीधा करके रॉड को लौटा दिया तो हमारी आइसक्रीम पार्टी पक्की है, लेकिन हम स्कूटर से अगर चले जाते तो हम वैन के पास दोबारा थोड़ी ही ना आते। शॉन कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, वैसे रॉड की आइसक्रीम हमें कब मिलने वाली है? ये मिस्टर मीट यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली कहता है कि खैर कोई बात नहीं, इसको भागा दौड़ी करने दो, हम तो यहाँ पे आराम से छिपे हैं। और इधर ये दोनों बाबा के घर पे आ गए हैं, लेकिन इस बार इनको बाबा घर के बाहर ही मिल गए हैं और इनकी बातें भी शुरू हो गई हैं। गुल्ली बाबा को बताता है कि मिस्टर मीट हमारे पीछे पड़ गया है, लेकिन अभी वो शॉन के पीछे है, आप जल्दी चल के मिस्टर मीट को सबक सिखा दो, उसको दौड़ा दौड़ा के मारना। बाबा कहते हैं कि मिस्टर मीट को मैं देख लूंगा, चल के बताओ कि वो कहाँ पे है, बस उम्मीद है कि शॉन अभी तक सही सलामत होगा। और इधर मिस्टर मीट इन दोनों को देख लेता है, क्योंकि ये लोग पत्थर के कुछ ज़्यादा ही साइड में थे, और अब मिस्टर मीट इनके पीछे जाने लगता है। ये दोनों भी यहाँ से भागने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि शॉन, हम इस मिस्टर मीट का क्या करें, ये तो दोबारा हमारे पीछे ही पड़ गया। शॉन कहता है कि बुल्ली, मैं इसको लात मार के गिरा दूँ क्या? बुल्ली कहता है कि अरे नहीं शॉन, रहने दो, तुम्हें अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए, मिस्टर मीट तो मुझसे भी बड़ा है और बहुत ताकतवर भी है, इसलिए बस भागने पे ध्यान दो, अब कोई छुपने की जगह ढूंढो, कम से कम हम थोड़ी देर तक जिंदा तो रहेंगे। शॉन कहता है कि अरे नहीं बुल्ली, अब बारी आ गई है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई करें। बुल्ली कहता है कि शॉन, डायलॉग बाजी बाद में, पहले भागने पे ध्यान दो। तभी यहाँ पे ये तीनों भी आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि शॉन, जरा सामने देखो, वो तो बाबा और गुल्ली रॉड हैं, अब हमें छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी उनके पास चलो, बाबा इनको सही सलामत देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर मीट को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है और बाबा भी इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मिस्टर मीट तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, वो भी बाबा के एक ही वार में। शॉन कहता है कि बाबा, आपकी टाइमिंग तो लाजवाब होती है और आपके वार का तो कोई जवाब ही नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया शॉन, अब पुलिस को फ़ोन करके बोल दो कि वो अपने कैदी की लाश लेते जाएं, वरना इसको रोड पे ऐसे पड़ा देख के लोग डर जाएंगे। गुल्ली कहता है कि ठीक है बाबा, मगर अभी फ़ोन तो घर पे है, हम घर जाने के बाद फ़ोन करके बोल देंगे। और रॉड, अब तुम अपनी वैन भी ले लो,
रॉड कहता है कि वैन को सीधा करने के लिए बड़ी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह वैन को ले जाऊंगा। वैसे भी इतनी भागा दौड़ी में मैं बहुत थक गया हूँ। चलो अब घर चलते हैं, इससे पहले कि मुझे रोड पे ही नींद आ जाए और मैं यहीं सो जाऊं। तभी शॉन इनसे कहता है कि वैसे मेरे पास मेरा फोन है, अगर कहो तो मैं पुलिस को कॉल करके बोल दूं। बुल्ली कहता है कि शॉन अगर तुम्हारे पास पहले से फोन था तो तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया। शॉन कहता है कि मैंने तो सोचा कि किसी इमरजेंसी में फोन करूंगा, बहुत सारा दिमाग है मेरे पास। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।